Dear students, in this module, we are going to understand the conflict perspective's view of social control that is occurring within our education system. Conflict perspective is a theoretical framework in sociology that emphasizes the role of power and inequality in shaping different social relationships. Whereas, the social control refers to the mechanism थ्रू विच सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर इन्फोर्सड ऑफ्टन थ्रू द यूज़ ऑफ कर्शन और पनिशमेंट कॉन्फ्लिक परस्पेक्टिव से अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो उनका ये ख्याल है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब बच्चे को एक ख़ास तरह से ट्रेन किया जाता है सोशलाइज किया जाता है तो असल में उसको कन्फर्मिस्ड बनाया जाता है और जब बच्चा कन्फर्मिस्ट बनता है तो उसके अंदर मौजूद जो ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो क्रिएटिव इनोवेटिव एबिलिटीज़ हैं उनको ला मोहला एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्नब कर देता है और इस तरह से हम बच्चे को एक कंट्रोल्ड बीइंग तो बनाते हैं लेकिन एक एक्सप्रेसिव बीइंग शायद नहीं बना पाते तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो इसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि स्कूल का या एजुकेशन सिस्टम का आपकी तरबियत के ऊपर क्या असर पड़ता है इन द कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव सोशल कंट्रोल इज सीन एज अ मीन्स ऑफ मेनटेनिंग एंड एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर एंड सप्रेसिंग द डाइसेंट दूसरे लफ्जों में वो ये कहते हैं कि आपके जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं को मेनटेन करने के लिए आपका एजुकेशन सिस्टम बनाया जाता है मिसाल के तौर पे आप बच्चे को जब तरबियत दे रहे होते हैं तो उसको सिस्टम के लिए तैयार कर रहे होते हैं उसको कन्फर्मस बना रहे होते हैं ताकि बच्चा जो है उसके अंदर डिफ्रेंसज ऑफ ओपिनियन पैदा ना हो सकें और वो उसी तरह से ट्रेंड हो जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन है दूसरे लफ्जों में वो ये कहते हैं कि ये जो बिहेवियल एक्सपेक्टेशन बच्चे में इनकल्केट की जा रही होती हैं ये ग्लोबली या यूनिवर्सली अवेलेबल एक्सपेक्टेशन नहीं होती हैं बल्कि एक ख़ास क्लास एक ख़ास मखसूस सबके की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो के पूरे माशरे के इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा होता है जिसको कि वो एलिट क्लास कहते हैं तो इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल सोशल कंट्रोल हैज़ बीन यूज्ड बाय द स्टेट टू सप्रेस द पॉलिटिकल ओपोजिशन एंड डाइसेंटिंग वॉइस इंक्लूडिंग थ्रू द यूज़ ऑफ मीडिया सेंसरशिप एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच तो पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कि जिस तरह से ये सोशल कंट्रोल का मै हमें मीडिया सेंसरशिप के जरिए नजर आता है बिल्कुल उसी तरह से हम अपने स्कूलों के अंदर अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी देखते हैं कि बच्चे के अंदर अगर कोई कैपेबिलिटीज़ हैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज़ या कैलिबर मौजूद है तो उसको जो है एक जनरल बिहेवियर पैटर्न के अंदर जो है वो ला के स्नप कर दिया जाता है क्योंकि हमारा मकसद जो होता है वो वेल well डिसप्लिन बच्चों को प्रिपेयर करना होता है ना कि ऐसे बच्चों को जिनके अंदर वो जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं वो पनप के सामने आ सकें अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सोशल कंट्रोल इज़ असेंशियल फॉर एनालाइजिंग द वेज़ इन विच पावर एंड कंट्रोल आर एक्सरसाइज्ड इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल फॉर सोशल एंड पोलिटिकल चेंज तो मकसद चूँकि जो होता है वो बच्चे को इस तरह से तैयार करना होता है ताकि वो डेविएंसी की तरफ ना जा सके बल्कि कन्फर्मिस्ट बन सके इसीलिए जो सोशल कंट्रोल के मैकेनिज़म्स हैं वो वहाँ पे अडॉप्ट किए जाते हैं पनिशमेंट uh, का मैकेनिज्म होता है उसके ज़रिए बच्चे को सिखाया जाता है कि अगर आप ये वाला काम हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक करेंगे तो आपको जजा मिलेगी और अगर नहीं करेंगे तो उसकी सज़ा दी जाएगी The study of social control requires a multidisciplinary approach incorporating the perspectives from sociology, political science and law. By analyzing the complexities of social control, we can gain a deeper understanding of the ways in which power relationships shape the social interactions and impact individual and collective well-being. On the other hand, the scholars in the conflict perspective often advocate for resistance against the social control as a means of promoting social justice and inequality examples of resistance against social control in pakistan include the women's right movement and the labor movement and the conflict perspective offers a critical lens through which to analyze the mechanisms of social control and their impact on individuals and societies तो चौके कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव जो है ये एक क्रिटिकल गेस प्रोवाइड करता है इससे हमें ये भी देखने का मौका मिलता है कि जो करिकुलम डेवलप किया जाता है स्कूलों के अंदर या एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो करिकुलम भी जो है वो रिलेटिवली एक यूनिवर्सलाइज फॉर्म के अंदर होता है उसके अंदर भी बहुत से आंसर जो हैं वो इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि हम बच्चों को कन्फर्मिस्ट बनाना चाह रहे होते हैं उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को जो है वो स्नप किया जा रहा होता है और इसके साथ साथ जो बहुत अहम चीज़ होती है वो ये कि ये करिकुलम डेवलपमेंट्स जो हैं उस पोटेंशियल इनक्वालिटी को किस तरह से कॉप करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं और फूड फॉर थॉट आपके लिए ये है कि आप देखें किसी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद किसी भी करिकुलम को अगर आप देखें और एनालाइज़ करें पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके अंदर मैकेनिज्म सोशल कंट्रोल के कितने पॉसिबल एलिमेंट्स या फैक्टर्स मौजूद हैं और उसको एनालाइज़ करके ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इसके हमारे स्कूल के अंदर जाने वाले बच्चों की सोशलाइजेशन के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं